क्लीन शेव होने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज मेरा लास्ट चीट डे है, आज मैं चीट डे बनाऊंगा और उसके बाद कल से डाइट और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वर्कआउट। कल डाइट करेगा नहीं करेगा? आज लास्ट चीट डे है, लास्ट चीट डे मैं क्या खाऊं ये सोच रहा हूं। और आप, अगर आपका लास्ट चीट डे होगा तो आप उसमें क्या खाना चाहोगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम भी जानना चाहेंगे कि लोगों के लास्ट चीट डे में क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता। और कल से भाई डाइट शुरू, उसके बाद वर्कआउट भी शुरू थोड़े टाइम बाद, डाइट के थोड़े दिनों बाद। झूठ, ये क्यों विश्वास ही रखती मेरे पे? बिल्कुल ये गलत बात नहीं है। पार्सल हमारे यहाँ पता नहीं रात का क्या क्या ऑर्डर करती रहती है, अमेजोन से, मिंत्रा से, पता नहीं क्या है। ये तो मेरा ही पार्सल लग रहा है, उसको क्या ब्लेम करो। और ये आ गया मेरा मैकडॉनल्ड्स, यस। इसको ऊपर ले जाना है, दोनों हाथ काम नहीं करेंगे, फोन रखो। दिस इज माई चीट मील, एक मैकपफ, एक मैकालू टिक्की बर्गर, एक चिली चिकन बर्गर। आज शुगर इतनी बढ़िया आई है मैडम जी, मैकडॉनल्ड्स इंजॉय करने वाली है। चलो चीट मील शुरू करी जाए, कल से पक्का नहीं खाऊंगा बाहर का। हमने खा लिया है बर्गर सैनिटाइजर लगा के, और अब हम खाएंगे आइसक्रीम सैनिटाइजर लगा के। आज चीट डे का आखिरी डे है, आज आखिरी चीट डे है, कल से परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। और परिश्रम मेहनत करने के लिए चाहिए हमें मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के लिए हम खाएंगे भाई मैक्सवेल, जो पता नहीं क्या हालत में पहुंची है डिलीवरी में। नहीं मिला यार मोटिवेशन। भाई इतनी गर्मी थी कि मैक्सवेल पता नहीं क्या बन गया, फ्रीज कर दी दोबारा क्योंकि वो लिक्विड हो गई थी, और अब सही हो गई इसकी कंसिस्टेंसी। आप इसे खा के एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा अभी भी है सॉफ्ट सा, बट सही है, खाया जा सकता है। एकदम से वेदर बहुत अमेजिंग हो गया है, दोपहर के 5 बज रहे हैं, और फिर कैट ओनर के हरासमेंट चालू हो गई है, उसके अकॉर्डिंगली वो आ जा रही है कैट लेने। तो देखते हैं वो आती है नहीं आती, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। और वो हरासमेंट, पहले कहती है किसी को भेज रही हो कैट लेने के लिए, और अब कह रही है मैं खुद आ रही हूँ। तो देखो क्या, देखते हैं उसे तमाशे क्या चलते हैं क्या नहीं चलते हैं, वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तब तक मैं गार्ड अपने दरवाज़ों पर स्टॉपर लगवा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, ताकि तेज़ हवा चले तो दरवाजे ठा ठा बंद ना हो। भैया बताओ तेज़ हवा आएगी तो क्या करें फिर? सर ये इससे जो है ना, इससे हैवी कोई स्टॉपर ही नहीं होता, ये वुडन वाला स्टॉपर है, वो जो एल्युमिनियम वाला होता है ना सफेद, उसमें दिक्कत आती है। तो एक बार देखो, प्रेशर करके दिखाओ एक बार इस पे। ये अगर तेज हवा भी आ गई ना बाई चांस, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, पर फिर भी डोर जो है ना बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा मतलब, क्योंकि यहाँ पे किसी का शीशा टूट गया था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ तो सर देखो ना, इसे बच जाएगा, शीशा टूटेगा ना, वो कर रहा हूँ। देखो ये फिर भी अटका है, ये मुड़ गया है पर फिर भी ये अटका है। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। हमसे बहुत बड़ी वाली आंधी आ गई है, ये देखो सारे पंछी भी भाग रहे हैं। अपनी जान को दांव पर खाते हुए लगाते हुए संवाददाता सिद्धार्थ भेल आपको दिखा रहे हैं। उड़ना शुरू हो गए, अखबार उड़ना शुरू हो गए बैल्कनी से। भाई मैं भी संभालता हूँ बैल्कनी, आपको मिलता हूँ बाद में। मिट्टी उड़ रही है बहुत ज्यादा, कहीं टिकने वाले। चलो दरवाजे का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट तो हो गया है, बढ़िया दरवाजे काम कर गया आज तो। गमले गिर गए नीचे, तहलका मच गया तहलका। बहुत सैड न्यूज़ है, वैनिला की ओनर आई थी और बहुत गंदा कलेश वलेश टाइप सा हुआ। पहले हमने कहा भाई आता तो
पैसे ले ले हमसे, या तो बैग कैट ले जा, मतलब इतना हम उसके लिए कर रहे हैं। ऊपर से वहाँ हमें हरास कर रही है फ़ोन करके, मैसेज करके कि मैं आ रही हूँ, मेरी फ़्लाइट है, झूठ बोल के और पता नहीं क्या क्या बोल के परेशान कर रही थी मेरे को भी और राधिका को भी बहुत परेशान कर रही थी। तो फाइनली वो आई आज और वो वैनिला को ले गई एंड शी वॉज थैंकलेस। सो भगवान भला करे उसका, और प्लीज़ आप विश करिए कि वैनिला सेफ रहे, अच्छे से रहे, जो भी है जैसे भी है। टफ था उसके लिए भी, बट वी ट्रीटेड हर लाइक आर बेबी। एंड उसके बाद उसके जो ओनर का था, मतलब 20-25 डेज हमने रखे और हमने उसको इंजेक्शन भी लगवाया एंड शी वॉज थैंकलेस। उसको तो आई डोंट नो क्या केयर करे ना करे, बट गाइज होता रहता लाइफ में, ऐसे अप डाउन आते रहते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब एक मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट हो, इंस्टाग्राम फैमिली का पार्ट हो, सो यू नो द ट्रूथ। एंड चलो ट्रूथ जो भी हो, बट यू शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट कि अब से वैनिला नहीं दिखेगी। तो कोई नहीं, कोई नहीं यार, ईवी है और भी डॉग्स पेट्स है, अडॉप्ट करेंगे, अब देखेंगे क्या करना आगे नहीं करना। बट हमने कल रात को वैनिला के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज, वैसे ही हमने बहुत अच्छी मेमोरीज का स्पेंड करी। और कल रात को एक राधिका ने वीडियो बनाई थी, तो काइंडली वो वीडियो इसके बाद मैं अब दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसे देखिए और इन्जॉय कीजिए और वैनिला को मिस करिए। और जहाँ भी उसकी, जहाँ भी वो रहे, सेफ रहे, अच्छे से रहे, हेल्दी रहे, जो भी है। चलो ओनर बस उसके इंजेक्शन लगवा, हाँ इंजेक्शन लगवा के उसको सेफली रखे, बिकॉज बीइंग अफेक्शनेट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनी बेबी और एनी पेट, बट द थिंग इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेट एज वेल। आपको वैक्सीनेशन प्रॉपर करानी चाहिए, आपको बहुत इंजेक्शन होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक बेबीज का इंजेक्शन होता है, बहुत इंजेक्शन होते हैं जिससे एक पेट की अंदर जो मैकेनिज्म है, जो उसकी बॉडी है, क्योंकि हमारी बॉडी ही बहुत कुछ, जैसे डायबिटीज डॉग्स में भी होता है और भी मतलब डिजीजेज होती है, जो क्या बोलूँ मैं उस बारे में, बट उसके लिए भी एक इंजेक्शन होते हैं और टेक केयर करना पड़ता है। ऐसे नहीं अगर आपने कुत्ता बिल्ली पाल लिया और ये पड़ा रहेगा यहाँ पे या उधर पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता। इफ़ यू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक इट राइटली। देखिए इंजॉय कीजिए और कमेंट सेक्शन में इस बारे में बिल्कुल कमेंट ना करें, आप बस ये लिखिए वी विल मिस यू वैनिला, हैशटैग वी विल मिस यू वैनिला, दैट्स इट। थैंक यू। लैपटॉप भेज दिया मेरा, जा तो लैपटॉप पे जाके बैठ जा। माउस दिखेगा इसको। क्या है, पसंद है ना आपको लैपटॉप? बहुत पसंद है। मेरा लैपटॉप मेरी मर्जी, मेरा लैपटॉप मेरी मर्जी। 60,000 का लैपटॉप तेरे लिए लिया, चमका रही है मेरे को। निकल ना यार, निकल, मेरा लैपटॉप मेरी मर्जी, निकल ना। चार बटन दबा के जाएगी बैठ गई। तू क्या कर रही है? वो देख अब तेरा ट्राइपॉड क्यों कर रही है? नहीं आ रही। हाँ यस यस यस। सब कुछ खराब कर दूंगा मैं, सब कुछ खराब कर दूंगा और फिर घर से जंप मार जाऊंगा।